हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला। थोड़ा स्पीडली करेंगे तो आपको थोड़ा फोकस से ध्यान से सुनना है सभी बातों को। काफ़ी थोड़ा बड़ा लेसन है और समझने लायक भी है, तो थोड़ा ध्यान से समझे बेटा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? नेल्सन मंडेला ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटो मतलब सेल्फ और बायोग्राफी क्या होती है? लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और जो ये लेसन है आपका नेल्सन मंडेला, ये आपका इसका एक छोटा सा भाग है, ठीक है। और इनका अगर पूरा नाम पूछे क्या है तो नेल्सन रोलिहलाला मंडेला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, बिफोर यू रीड, देखें सबसे पहले बिफोर यू रीड में क्या है। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड क्या होता है? एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें लोगों को सेपरेट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के आधार पर, ठीक है। तो अपार्थाइड का मतलब क्या हुआ? पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो जातीय भेदभाव होता है उसकी नीति को हम अपार्थाइड बोलते हैं। कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो, कि आप बता सकते हैं कि इन तीन कंट्रीज़ के नाम जो नीचे दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सी कंट्री है जो सजे पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो रिसेंटली यानी हाल ही तक वहाँ पर था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो कौन सा है इसका आंसर? साउथ अफ्रीका। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में ऐसा ही पॉलिटिकल सिस्टम था फिलहाल तक, यानी पिछले कुछ सालों पहले तक। हैव यू हार्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी है ना, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, ANC। ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। किसकी है? मंडेला की, नेल्सन मंडेला की। स्पेंड लाइफ टाइम, उन्होंने लाइफ टाइम अपनी कैसे स्पेंड की? फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी इसी जो पॉलिसी के, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है, जातीय भेदभाव की नीति है, इसके विरोध में फाइटिंग की, ठीक है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years ऑफ इन प्रिजन, और इसके कारण इसका विरोध किया था, इसी कारण इसको 30 साल तक, 30 years क्या हुआ, प्रिजन में काटने पड़े, यानी जेल में काटने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और अंत में डेमोक्रेटिक, आपको पता ही है लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए, वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994। अब 1994 में साउथ अफ्रीका में फिर इलेक्शन हुए, जैसे हमारे यहाँ वोटिंग होती है ना इंडिया में, ऐसे ही वहाँ पर भी इलेक्शन हुए 1994 में। एंड मंडेला, देखो ध्यान से समझे इसको, मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और इस नए नेशन के मंडेला है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है ना, काले प्रेसिडेंट। आगे देखो, इन दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो अंश है फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब आपको पता चल गया ना, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई कहानी, ठीक है। और नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक अबाउट हिस्टोरिकल ओकेजन, मंडेला अपने हिस्टोरिकल ओकेजन के बारे में, ऐतिहासिक अवसर के बारे में बोलते हैं। द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन क्या होता है? इनोग्रेशन मीन्स ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है ना, कोई भी सेरेमनी हम ओपन करते हैं तो उसको इनोग्रेशन बोलते हैं, यानी उद्घाटन बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। कैन यू गैस वट द ओकेजन माइट बी, आप ऐसा गैस कर सकते हो कि कौन सा ओकेजन हो सकता है ऐसा, कौन से अवसर पर बोले होंगे? चेक योर गैस विद द न्यूज़, और ये जो न्यूज़ दी गई है, इस न्यूज़ को पढ़े और अपने मतलब गैस को जो आपने अंदाज़ा लगाया है उसको देखें, चेक करें। ये न्यूज़ कहाँ से ली गई? फ्रॉम BBC, जैसे हमारे यहाँ द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे न्यूज़पेपर हैं, ऐसे ही वहाँ पर कौन सा है? द BBC, उसकी न्यूज़ के, न्यूज़ आइटम की हेडलाइन है। कब का है न्यूज़पेपर? 10 मई 1994, ठीक है। अब न्यूज़पेपर की हेडिंग में क्या लिखा हुआ है इसको समझें एक बार। इसमें क्या लिखा है? हेडिंग है मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है जो न्यूज़पेपर की। अब नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल यानी जो गोरे लोगों का शासन था 300 साल। सेंचुरी कितना होता है? 100 साल। एक सेंचुरी 100 साल और 3 century का
300 साल, 300 साल से भी मोर देन, यानी 300 साल से भी ज़्यादा, अफ्रीका जो वाइट रूल है उसके बाद अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे कौन? मंडेला। मिस्टर मंडेला इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनकी एक पार्टी का नाम क्या है? ANC, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ध्यान में रखना है इसको। पार्टी वन, उन पार्टी ने क्या कितने जीते? 452 out of 400 सीट में से उन्होंने 252 सीटें जीती। और इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो पहले इलेक्शन हुए थे उन्होंने 252 सीट जीती, कितने में से? 400 में से। तो ये याद रखना आपको। आगे देखें, द इनोग्रेशन सेरेमनी, जस्ट ए सेकेंड, यस, द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन पेरिटोरिया टुडे। अब उसमें न्यूज हेडलाइन में क्या बोला है कि इनोग्रेशन जो उद्घाटन की सेरेमनी है, जो समारोह है, वो कहाँ पर हुआ? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर क्या होता है? एम्फीथिएटर होता है कोई लार्ज ओपन थिएटर, लार्ज ओपन थिएटर जिसको खुला स्टेडियम, जिसके ऊपर छत नहीं होती, हम खुला स्टेडियम बोल सकते हैं, ठीक है ना। थिएटर होता है स्टेडियम, और एमपी मतलब खुला हुआ, लार्ज ओपन, ठीक है, वो बड़ा सा खुला जिसके ऊपर छत ना हुआ। और पेरिटोरिया जगह का नाम है, पेरिटोरिया में टुडे आज इनोग्रेशन सेरेमनी हुई, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटियर्स फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड से कितने कितने लीडर्स थे? पॉलिटिशियन थे और डिग्निटियर्स। डिग्निटियर्स होते हैं जो एमिनिटियर पर्सन होते हैं, जो प्रसिद्ध फेमस पर्सनैलिटी होती है ना, जो जो नेता नहीं होते लेकिन वैसे फेमस पर्सनैलिटी होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ अब जो खिलाड़ी है, गोल्ड मेडल लाए हैं नीरज चोपड़ा, तो वो फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। तो डिग्निटियर्स हो गए ना, वो एमिनेंट पर्सन, एमिनेंट यानी फेमस। तो ऐसे पर्सन कितने आए थे? मोर देन 140 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड से, 140 देशों से भी ज़्यादा आए थे, ठीक है। अब ये लाइन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, नेवर नेवर अगेन दिस विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कि अपनी जो ये ब्यूटीफुल कंट्री है अब कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगा इसका ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? मतलब एक तरह से टॉर्चर करते हैं जिसको, यानी वाइट पीपल टॉर्चर करते थे ना ब्लैक पीपल को, रिप्रेशन बोल सकते हैं, टॉर्चर बोल सकते हैं, ठीक है ना, दमन करना, एक तरह से यातनाएं देना, ठीक है। तो वो अब हमारे देश में, हमारी ब्यूटीफुल लैंड पे कोई सहन नहीं करेगा। ये किसने कहा? नेल्सन मंडेला ने कहा इन हिज एड्रेस, जब वो संबोधित करते अपने देश को तब उसने कहा। एक सेकेंड, जो जुबलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ पेरिटोरिया, पेरिटोरिया जगह पे ये जुबली हो रही थी। जुबलियंट मतलब जो जॉयफुल, हैप्पी मूड बोल सकते हैं, हैप्पी सीन था। जुबलियंट सीन मतलब हैप्पी। तो ये साथ के साथ लिखते चले बेटा वर्ड मीनिंग, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आपके पेपर में आपकी बार ऑप्शन वाला क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन होगा, उसके चार ऑप्शन हो गए, तो ये भी तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ जुबलियंट। तो यू कैन आंसर वेरी वेल इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ जुबलियंट। जुबलियंट मीन्स जॉयफुल, हैप्पी, ठीक है। सीन, सीन कैसा था? जॉयफुल था, खुशी था। ऑन द स्ट्रीट पेरिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मतलब इकट्ठे ही सेरेमनी को इंजॉय कर रहे थे। कहाँ पर? पेरिटोरिया में। कौन थे? ब्लैक पीपल भी थे वहाँ पे, साउथ अफ्रीका के वाइट पीपल भी थे, और कलर्ड, कलर्ड मतलब जैसे हम इंडियन हैं ना, तो ज़्यादा गोरे हैं ना काले हैं, तो हम मीडियम हो गए ना, तो ऐसे इनको सभी को कलरफुल बोला कि सभी लोग आए हुए थे वहाँ पे सेरेमनी में। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वीमैन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेज सेंग एंड डांस विद जॉय। कि सभी गा रहे थे और डांस कर रहे थे, ठीक है ना। ये आपको पता ही होगा, मैथ ये समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, 100,000 वाली बात। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप खुद कर लोगे। अब देखो लेसन, लेसन क्या है? 10th May डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10th May का जो डान थी, सुबह थी, डान होता है एक तरह से हैपन होना, केम आउट, घटित होना, ठीक है।
टेंथ मई की सुबह थी, जो डान होता है मतलब जब सूर्य निकलता है ना, डान बोलते हैं उसको, मतलब लालिमा सी छा जाती है। तो जो 10 मई को जो सुबह हुई वो काफ़ी ब्राइट थी, चमकीली थी और क्लियर थी, साफ थी। ठीक है, फॉर पास्ट पिछले फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से आई किसके लिए है, नेल्सन मंडेला के लिए। ध्यान से समझे, नेल्सन मंडेला अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं, और उसी ऑटोबायोग्राफी का ये छोटा सा पार्ट है। ठीक है, आई हैड बीन, जहाँ पर भी आएगा आई मिलेगा वो नेल्सन मंडेला होगा, नेल्सन मंडेला बात करें। ठीक है, ध्यान से समझे सभी। आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीड बाई डिग्निटियर्स एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन। इनोग्रेशन आपको पता चल गया इनोग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, कोई भी ओपनिंग सेरेमनी है। ओपनिंग सेरेमनी से पहले अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए मेरे पास लोग आ रहे थे, कहाँ से, वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड से के लीडर थे, वर्ल्ड पूरे मतलब देश से लीडर आ रहे थे, डिग्निटियर्स आपको पता चल गया ना, एमिनेंट पर्सन, फेमस पर्सन, ठीक है, मेरे पास आ रहे थे। बिसीड मी का मतलब है कि सराउंडेड क्लोजली बाई के, ठीक है, मैं उनसे घिरा हुआ था। प्लेजेंटली मतलब सुखद रूप से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले दिन कुछ दिनों से मैं सुखद रूप से क्या था, जो ऊंच पद के लोग थे और जो विश्व के नेता थे, ठीक है ना, वर्ल्ड लीडर थे, उनसे मैं घिरा हुआ था और वो अपनी रिस्पेक्ट मुझे दिखा रहे थे, अपना सम्मान मुझे दे रहे थे। किस से पहले, बिफोर द इनोग्रेशन, उद्घाटन से पहले। द इनोग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल, कि साउथ अफ्रीकन सोयल में जो ये उद्घाटन हो रहा था, इस धरती पर हो रहा था, ये मतलब इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सा गैदरिंग थी, लार्जेस्ट गैदरिंग थी, यानी सभी का इकट्ठा हो रहे थे ना, जमावड़ा बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन आप लार्जेस्ट गैदरिंग इंग्लिश में ही याद रखें इंग्लिश को। अब देखें आगे, नेक्स्ट, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सेंट्स एम्पी थिएटर, जस्ट सही। अब देखें सेरेमनी कहाँ पर हुई, लवली सैंडस्टोन, यानी जो सैंडस्टोन आप बोल सकते हैं बलुआ पत्थर, ठीक है, सैंडस्टोन से बनी जो धरती थी वहाँ पर हुआ। कहाँ पर, आपको जगह का नाम बताया हुआ है, यूनियन बिल्डिंग इन पेरिटोरिया, पेरिटोरिया में। फोर डिकेट्स, आपको पता है सेंचुरी, 100 साल में सेंचुरी होती है और 10 साल का डिकेट होता है, तो पिछले डिकेट से कई दशकों से दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी इस पिछले कुछ दशकों से यहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी चल रही थी, यानी लोगों का प्रभुसत्ता बोल सकते हैं कि उनका ही प्रभाव था, किसका, सुप्रीमेसी किसका था, डोमिनेंस, प्रभुत्व किसका था, वाइट पीपल का। बट नाउ, लेकिन अब इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर इंस्टॉलिंग्स ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब क्या हो रही थी कि बिना जो रेशियल, यानी बिना जो जाति भेदभाव किए, नॉट बेस्ड ऑन रेस बोल सकते हैं, गैर जातीय के, और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आपको पता है लोकतांत्रिक, फर्स्ट अफ्रीका में पहली बार ये बनने जा रही थी, बिना रंग भेद के जो स्थल पे इंद्रधनुष जैसे लग रहे थे वो सभी गैदरिंग, सभी इकट्ठे हुए थे ना लोग, तो ऐसे लग रहा था कि सभी इंद्रधनुष के समान जैसे हमारे राष्ट्र को में एक तरह से समावेश हो गया हो, इंस्टॉलेशन हो गई हो, ठीक है, सभी लोगों की, क्योंकि सभी गैदर हो गए थे ना वहाँ पे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम, ऑटम का यहाँ पे ध्यान से, ऑटम एक तो ऑटम सीजन होता है बेटा, 10 मई को देखो, 10 मई को हमारे यहाँ तो इंडिया में तो समर सीजन चलता है, लेकिन वहाँ पर ऑटम डे, ऑटम होता है, यानी समर नहीं होता वहाँ पे, ऑटम डे होता है। और दूसरा हम सिंबॉलिक अर्थ इसका लगा देते हैं कि जैसे ऑटम पतझड़ ऋतु में पेड़ अपने पत्तों को, यानी पुराने पत्तों को गिरा देते हैं और नए पत्तों को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जो अफ्रीका है वहाँ पर भी जो पुरानी सरकार है, वाइट पीपल का डोमिनेंस था वो ख़त्म हो चुका था और ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है ना, ऑन दैट लवली डे। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछो आपको आंसर का पता होना चाहिए, ठीक है। इट वॉज अकम सॉरी आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, जिनानी उनकी बेटी थी, कि मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी भी बैठी थी मेरे साथ ही,
ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट. कि जो मिस्टर डे क्लर्क थे, हमारे यहाँ तो डिप्टी प्रेजिडेंट एक ही होता, लेकिन वहाँ पर दो थी, तो दूसरे नंबर का कौन था? मिस्टर डे क्लर्क ने सबसे पहले मंच पर क्या किया? शपथ ली अपनी. ठीक है, स्वॉर्न होता है शपथ लेना, थर्ड फॉर्म है, आपको पता है स्वीयर शपथ लेना. देन तब देखो ये नेल्सन मंडेला है फोटो. देन थोबो मबेकी, उसके बाद कौन आए? थोबो मबेकी वॉज स्वॉर्न एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट. और फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट कौन थे? थोबो मबेकी. ध्यान में रखना है, थोबो मबेकी कौन थे? फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट. उप प्रधानमंत्री होते हैं ना, जैसे सॉरी हाँ उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति वहाँ पर दो थे. जो सेकंड नंबर के थे वो कौन थे? अभी आपने पढ़ा है, साथ में बोलो, श्री डी के क्लर्क. ठीक है ना, मिस्टर डे क्लर्क. और जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो थेम्पो मबेकी. क्लियर. व्हेन इट वाज माय टर्न, और इसके बाद मेरी टर्न आई, आई प्लेज टू ओपे द अनहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और मैंने क्या शपथ ली कि मेरी बारी आई शपथ लेने की, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, संविधान की रक्षा करने के लिए और उसको ओबे करने के लिए, ठीक है, अपहोल्ड रखने के लिए, पालन करने के लिए मैंने शपथ ली. और क्या किया कि अपने आप को वेल बींग के लिए डिवोट कर दिया, माई सेल्फ डिवोट कर दिया. डिवोट होता है समर्पित कर देना, ठीक है ना, कि लोगों के प्रति और जो देश के प्रति है, मैंने अपने आप को डिवोट करने के लिए, समर्पित करने के लिए शपथ ली. टू असेंबल्ड गेस्ट जो भी वहाँ पे अतिथि थे उनके सामने, एंड वॉचिंग द वर्ल्ड, और पूरा वर्ल्ड देख रहा था जिसको, ठीक है ना, आपको पता है कैमरे पहुँच जाते हैं, तो पूरा वर्ल्ड ही देख रहा था ना उसके आई साइड. तब मैंने कहा, क्या कहा? ये स्पीच है नेल्सन मंडेला का, तो ध्यान से समझे उसमें उन्होंने स्पीच में क्या कहा. टुडे ऑल ऑस ऑफ डू माई आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू अ न्यू बोर्न लिबर्टी. न्यू बोर्न लिबर्टी का मतलब है कि जो लिबर्टी अभी उन्होंने अभी मिली है लिबर्टी, ठीक है ना, पहले तो वो एक तरह से गुलाम थे ना उनके, तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये नई स्वतंत्र आज़ादी लिबर्टी मिली है हमें, और होप मिली है एक तरह से, ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा कि जो स्वतंत्रता और आशा और सम्मान आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, आवर प्रेजेंस आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न एज ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. अब कहने का मतलब क्या है कि जो ये लंबे समय तक एक ऑर्डिनरी होता है साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो गया, असाधारण, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर आपको पता है आपदाएं, ठीक है ना, जो ह्यूमन आपदाएं, जो मानवीय आपदाएं का हम अनुभव कर रहे थे, आज हम उनसे बाहर आ गए हैं. किसे? लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक जब हम उनको अनुभव किया, हमने वो चल रहा था हमारा विपदा चल रही थी ह्यूमन पे, अब उसके बाद एक ऐसी सोसाइटी, एक समाज का निर्माण तो होना चाहिए था, ऐसे निर्माण का जिस पे सभी प्राउड कर सके, ठीक है. वी हु वर आउटला नोट सो लॉन्ग एगो टुडे have today been given rare privilege to the host to the nation of the world in our soil. कि हमारी धरती पर हम होस्ट कर रहे हैं. होस्ट का क्या मतलब होता है? मेजबान करना, ठीक है ना, तो हम अपनी धरती पर सारे राष्ट्रों को क्या कर रहे हैं, एक तरह से उनकी अगवानी कर रहे हैं, और उनको करने का हमें एक तरह से अधिकार मिल गया है अब, ठीक है, उनको एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उनकी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्रों की, ठीक है. और पहले क्या किया जाता था, आउटलास थे हम, पहले तो हमें मुजरिम समझा जाता था एक तरह से, ठीक है. वी थैंक ऑल, हम सभी का धन्यवाद करते हैं, ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जो भी सम्माननीय और दूसरे इंटरनेशनल यानी सभी राष्ट्रों से जो भी लोग आए हैं, सम्माननीय अतिथि जो आए हैं, मैं सभी का वहाँ पे थैंक करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ.
और हैविंग कम टू टेक ऑपरेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्रीज वट इज दैट ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि हमारे देश के जो लोग हैं मिलकर उस चीज़ पर अधिकार कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन कर रहे हैं, टेक ऑपरेशंस किसके ऊपर अधिकार कर लेने हैं, जो हमारी कॉमन विक्ट्री है, किसकी विक्ट्री है, न्याय की, जस्टिस, न्याय, पीस, शांति, और जो ह्यूमन डिग्निटी, जो मानव सम्मान के लिए एक सांझी विजय है, सांझी विजय मतलब सभी की विजय है, कॉमन विक्ट्री है, तो उसके ऊपर हमने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है हमने। अब वी हैव एट लीस्ट अचीव अवर पॉलिटिकल एमेनिस्पेशन। देखो साइड में ये वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं, ये भी आपने नोट करते जाना है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, जो आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, ठीक है, उनसे मुक्त मिल गई है इनको। वी एट लास्ट अचीव अवर पोलिटिकल एम्पिसिपेशन, अंत में हमने अपनी जो पॉलिटिकल है, राजनीतिक मुक्ति पा ली है, प्राप्त कर ली है। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट अवर पीपल फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पावर्टी गरीबी, जो डिप्रिवेशन है, सफरिंग है, जेंडर है, अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी भेदभाव है दूसरे, चाहे लिंग भेद के हो, चाहे सफरिंग के हो, उत्पीड़न के हो, और भी कोई भी भेदभाव है, ठीक है, चाहे गरीबी हो, तो सभी से हम मुक्ति दिलाने की मैं प्लेज लेता हूँ, ठीक है, प्लेज लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ। अब वही लाइन है जो इम्पोर्टेंट लाइन है, नेवर नेवर ये धरती कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी कैसा ऑपरेशन वन अनदर, यानी एक दूसरे पर अब दमन नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे, किसी को अनुभव नहीं होने देंगे कि वो मतलब किसी के नीचे काम कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरी ए ह्यूमन अचीवमेंट, जो हमने मानवीय जो सफलता हासिल करी है, इसका सूर्योदय अब सन वो कभी अस्त नहीं होगा, ठीक है। लेट फ्रीडम रिगेन, कि जो स्वतंत्रता है उसको आओ स्वतंत्रता का शासन होने दे, ठीक है, लेट फ्रीडम रिगेन, ये फ्रीडम का शासन हो जाए, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को भगवान आशीर्वाद दे, ठीक है। ये कंप्रिहेंसिव चेक के क्वेश्चन आप कर लोगे। उसके बाद देखो क्या हुआ, स्पीच ख़त्म हो गया है नेल्सन मंडेला का। अब क्या कह रहा है कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, अब कई कुछ पल बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज इन द व्यू एज आप स्पेक्टुलर एरा ऑफ साउथ अफ्रीका, जेट हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स रोर इन परफेक्ट फॉर्मेशंस ओवर यूनियन बिल्डिंग्स। अब थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है कि हमारी आंखों के सामने क्या हो जाता है, ओसम बोलते हैं ना, ओसम, एक तरह से विश सरप्राइज हो जाना कि हमारी आंखों ने आंखें ऊपर उठाई तो क्या देखा हमने, जेट हेलीकॉप्टर देखे, ठीक है ना, जो यान देखे, ट्रूप कैरियर्स क्या कर रहे थे, तो वो एक तरह से भव्य समारोह में क्या कर रहे थे, यूनियन बिल्डिंग है, यूनियन भवन था, उसके ऊपर से गुजर रहे थे, ठीक है ना, ऊपर से। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसेशंस एंड मिलिट्री फोर्स बट आर डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ मिलिट्री जॉयज टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू बोर्न गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयर्ड इलेक्टेड, जो फ्रीली और फेयर्ड, यानी जो सही उचित सही बोल सकते हैं, फ्री और फेयर मतलब बिल्कुल उचित और राइट, बिल्कुल सही, जो एक तरह से सैनिक ताकत है, ठीक है, वो दिखा रहे थे यहाँ पे, मिलिट्री की लॉयल्टी दिखा रहे थे, उनकी लॉयल्टी कैसे कि सैनिक को कोई दिखावा नहीं करते, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी सरकार के जो स्वतंत्रता है और निष्पक्ष रूप से जो चुनी गई है सरकार, उसके प्रति अपनी स्वामी मतलब स्वामी भक्ति दिखा रहे थे, ठीक है ना, अपनी मिलिट्री फोर्स नहीं दिखा रहे थे वहाँ पे, ठीक है, अपनी मिलिट्री फोर्स यानी अपनी ताकत को पिन पॉइंट नहीं कर रहे थे, वो क्या डिस्प्ले कर रहे थे, वो एक तरह से अपनी भावनाएँ प्रकट कर रहे थे, जॉय फील कर रहे करवा रहे थे।
आप देखते हो ना 26 जनवरी को हमारे यहाँ पे ऐसे ही जो फील करते हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जर्नल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस एंड देयर चेस्ट बैड चेस्ट विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय सल्यूट मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। उसके कुछ पल बाद क्या हुआ, जो अफ्रीका का साउथ अफ्रीका का जो सुरक्षा बल थे और जो उनके उच्च अधिकारी थे पुलिस के, ठीक है ना, वो आते हैं और वो चेस्ट पे यानी उनकी चेस्ट पर क्या करते हैं, बीते कुछ दिनों से जो रिबन तमकों से अलंकृत थे, एक तरह से उनके ऊपर मेडल्स थे, ठीक है, उनको सलाम करते हैं और क्या करते हैं और अपनी वफादारी की शपथ लेते हैं, ठीक है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूट मी, सॉरी दे हैव सल्यूटेड और अरेस्टेड मी, उन्हें पुलिस वालों ने अरेस्ट किया था ना, तो अब ये कह रहा है कि मुझे यह बात अभी भी नहीं भूली थी कि इस बात को ज़्यादा समय नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे सलाम, अब तो सलाम किया है, पहले सलाम की बजाय मुझे गिरफ्तार कर लिया था उन्हीं पुलिस वालों ने। फाइनली अंत में अ चेवर्न ऑफ एम्पला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकाज फ्लैग। और अंत में क्या होता है कि जो इम्फाला जेट विमेन थे वो वी का आकार की सेब बना देते हैं, ठीक है ना, वी का आकार सेब बनाते हैं किस में, वो धुएं से, कि कौन सा धुआं, कैसा, रेड ग्रीन ब्लू सभी जो रंग थे उनके द्वारा, काले लाल हरे पीले सभी सुनहरे से ऐसे छोड़ते हुए वो धुएं से एक वी की सेब बना देते हैं, वी फॉर विक्ट्री। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी, और डे मेरे लिए सिम्बोलाइज करता बाई द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग। अब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो एक ही नेशनल एंथम है, ठीक है, राष्ट्रगान एक ही है, लेकिन वहाँ पर दो राष्ट्रगीत गाए गए, ठीक है ना, एक तो गोरे लोगों के लिए था और एक ब्लैक लोगों के लिए था, ठीक है। अब गोरे लोगों का क्या राष्ट्रगान था, नकोसी शिकेले, ठीक है, ये अफ्रीका की लैंग्वेज है, और ब्लैक क्या गा रहे थे, डाई स्टैम, ठीक है, ये राष्ट्र ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, ओल्ड एंथम यानी जो पुराना राष्ट्रगान था वही गाया उन्होंने काले लोगों ने, और जो गोरे लोग थे उनके लिए अलग था, ठीक है ना। अब आपको ध्यान आया दो क्या थे, डिप्टी प्रेसिडेंट भी दो थे और दो ही यहाँ पे नेशनल एंथम है, ठीक है, एंथम यानी दो राष्ट्रगान है। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू लिरिक ऑफ एंथम्स एंड दे वंस डिस्पाइज्ड। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा कि पिछले कुछ दिनों से दो मतलब यद्यपि ऑल्दो मतलब यद्यपि कुछ दिनों से क्या हो रहा था, जो वो गीत थे जो लिरिक थे उनके गीत थे एंथम के स्वर थे जो उनका ज्ञान नहीं था, स्वरों का ज्ञान नहीं था, जिसे वे लंबे अरसे से डिस्पाइज कर रहे थे, घृणा कर रहे थे एक तरह से, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, और जो अब वो उन वर्ड्स को क्या कर रहे थे, बिल्कुल अपनी जुबानी याद हो जाएंगे वो सिगर ही लंबे अरसे से, क्योंकि वो घृणा चली आई रही थी ना उन ब्लैक पीपल से, ठीक है। अब देखें ऑन दैट इनोग्रेशन, ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म होता था जब हमारी इमोशंस बिल्कुल ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना, ओवरवेल्म बोलते हैं उसको, कि ये तेजी की भावना से मैं ओवरवेल्म हो गया था सेंस से। इन द फर्स्ट डिकेट ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी है, आपको पता है 20वीं शताब्दी के पहले डिकेट बताया था ना, डिकेट कब होता है, 10 सालों का, डिकेट मतलब 10 साल का,
और कौन सा फर्स्ट डिकेट यानी 20th सेंचुरी जब ट्वेंटी सेंचुरी जब स्टार्ट हुई उसके शुरुआती डिकेट्स में यानी शुरुआती 10 सालों में क्या हुआ। आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माय ओन बर्थ एंड द वाइट स्किन्ड पीपल्स, देखो पीपल्स वैसे पीपल्स नहीं होता यहाँ, पीपल्स का मतलब राष्ट्र, ऑफ द साउथ अफ्रीका पैच्ड द अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रैशनल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अब इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से समझें, जो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ये इतने समझ में आ गया, तो जो भीषण एंग्लो बोर युद्ध के पश्चात जो और मेरे जन्म से पहले, ठीक है ना, मेरे जन्म से पहले जो दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोग आपसे आपस मतभेद था वो समाप्त हो गया था, और अब जो देश के काले चमड़ी वाले लोग थे लोगों के खिलाफ जो जातीय प्रभुत्व प्रणाली थी वो स्थापित कर ली थी उन्होंने, ठीक है। द स्ट्रक्चर देर क्रिएटेड और जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्स होता है किसी चीज़ को बिल्कुल हार्स करना, आपको पता है ना क्रूर बोल सकते हैं, क्रूर बोल सकते हैं, ठीक है ना, हार्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा क्रूर, सबसे अधिक निर्दयी एक तरह से, और मोस्ट इनह्यूमन, उन ह्यूमन होता है मानवीय, इनह्यूमन मतलब अमानवीय समाज की उन्होंने आधारशिला रख दी थी एक तरह से बिल्कुल। और लास्ट डिकेट ऑफ 20वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के लास्ट तक, नाउ 20वीं सेंचुरी का लास्ट ही तो आ गया ना 1994, यानी उसके बाद तो 21वीं शताब्दी लगी, तो ये बिल्कुल लास्ट आते आते माई ओन 18th डिकेट ऑफ एज ए मैन, कि अब 8वें दशक तो मनुष्य के रूप में मुझे आए हुए होंगे ना, यानी 8वें दशक समझ रहे हो ना कि 8 दशक, एक दशक में कितने होते हैं 10 साल, ठीक है, 8 दशक तो मुझे मनुष्य के रूप में आए हुए यहाँ पर हो गए ह्यूमन एज ए मैन। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन, एक सेकेंड, रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकोगनाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब वो क्या कर रहे हैं कि इस जो ये प्रणाली थी, जो सिस्टम था, उसने सभी लोगों के जो अधिकार हैं, फ्रीडम है और जो राइट्स हैं, जो स्वतंत्रता है और जो अधिकार है उनकी मान्यता प्राप्त करती हैं, जो उन्होंने चमड़ी के आधार पर भेदभाव किया, ठीक है ना, लोगों के साथ चमड़ी के आधार पर भेदभाव किया। दैट डे, उस दिन हैड बिकम अबाउट थ्रो द अन इमेजिएबल, देखो इमेजिन क्या होता है, कल्पना करना, अन इमेजिन मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, सेक्रीफाइसेस होता है बलिदान ऑफ थाउजेंड ऑफ मैन माई पीपल, कि मेरे जैसे लोगों का क्या था एक तरह से बलिदान दिया, ठीक है ना, बलिदान कैसे दिया कि हजारों लोगों ने बिल्कुल जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसे बलिदान के परिणाम स्वरूप ये दिन आया है, ठीक है ना, हमारे देश को भी अंग्रेजों का अधिकार था तो हमारे देशों ने भी के लोगों ने भी काफ़ी सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिए, तभी तो हमें भी स्वतंत्रता मिली, ठीक है ना, तो ये भी इन ऐसे बता रहा है कि उन्होंने कोरेज दिखाया, पीपल हु इज सफरिंग एंड कोरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, रीपेड मतलब दोबारा पेड किया जाए, जिसको काउंट किया जा सकते हैं, ठीक है ना, और लोगों ने क्या किया कि इतनी पीड़ा और इतने बलिदान जो दिया है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और ना ही रीपेड कर सकते हैं, पेड होता है अदा करना, भुगतान करना किसी चीज़ का, कि दोबारा से हम भुगतान नहीं कर सकते, इतनी सफरिंग, इतनी यातनाएं उन्होंने सहन किया है और इतना साहस दिखाया है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ओन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट होते हैं देशभक्त हु हैड गोन बिफोर मी, उन्होंने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मुझे अन्य दिनों में भी लग रहा था कि मैं उन सभी देशभक्तों के जो अफ्रीकन पेट्रियट थे, अफ्रीकन देशभक्त थे उसमें समाहित हूँ
जो मुझसे पहले हो चुके हैं, यानी दैट हैड गोन, यानी पास्ट परफेक्ट है ना, हैड गोन, जो मेरे से पहले हो चुके हैं, ठीक है ना, मैं भी उन देशभक्तों में शामिल हो गया। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। अब क्या होगा, जो ये लंबी और जो एंडेड लाइन बोल सकते हैं कि एक तरह से श्रेष्ठ लाइन है, वो समाप्त हो चुकी हैं। एंड आगे आई वॉज पेन दैट, और मुझे पेन हो रहा है ये सोचते हुए, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको थैंक नहीं कर सकता, उनका धन्यवाद नहीं कर सकता। दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइस हैड रोट। अब मैं उनको धन्यवाद नहीं कर सकता, इसको इसके लिए मुझे पेन हो रहा है, यानी पीड़ा हो रही है अंदर से, और मैं यह नहीं देख, वो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया इस दिन के लिए, वो ये नहीं देख सकते कि उनके बलिदानों ने आज क्या कर दिखाया है, ठीक है ना। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीज, अपार्थीज का पता चल गया ना क्या पॉलिसी है, ठीक है, देखो। क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब उसने क्या कहा कि जो रंग भेद की नीति थी, एक तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन की डिस्क्रिमिनेशन था, जो मेरे देश और मेरे लोगों पर काफ़ी डीप, काफ़ी गहरा और लास्टिंग होता है, जो स्थाई भाव रहे, काफ़ी जो हमारे मन से ना गिले, ऐसा वाउंड दिया, ऐसा घाव दिया है उनको। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। अब कि हमें इतना हर्ट हुआ है, हमें इतने गहरे मतलब घाव मिले हैं, जिसके हमारी अनेक पीढ़ियाँ, हमारी जनरेशन आएगी, पीढ़ियाँ तो नहीं, अनेक वर्ष तक हमें अवश्य लग जाएंगे, मतलब हमें कई साल लग जाएंगे उनकी भरपाई करने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ओप्रेशंस एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओल, देखो ध्यान से रखे, ओलिवर थैम्बोस, वाल्टर सिसलस चीफ। अब एक बार समझे इसको, एक सेकेंड ट्राई। अब इसने क्या कहा कि जो जुल्म हुए हमारे ऊपर, जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो हमारा दमन हुआ एक तरह से, उन अनेक दशक से हमारे ऊपर एक तरह से ऐसे प्रभाव डाला है, कि जिसको ओलिवर, नाम क्या है, ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, सिसुलस चीफ, लूथरिन्स, ये नाम है, यूसुफ डेंडोज, ये हमें अजीब से लगेंगे यूसुफ, क्योंकि हमारे देश के नाम है ना, यूसुफ डांडूज, ब्रैम फैचर्स, फैजर्स बोल सकते हैं, फैजर्स, रॉबर्ट कौन सा, सोबुक वेज ऑफ अवर टाइम, मैन सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये क्या थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी असाधारण साहस का इन्होंने परिचय दिया, किन्होंने, जिनके नाम हमने अभी बोले हैं, देखो ओलिवर, ये ओलिवर, वाल्टर सिसुलू चीफ, ये इनके नाम जो दिए गए हैं, उनके चित्र भी दिखाए गए हैं। आगे देखें, इन्होंने क्या दिखाया है, काफ़ी कोरेज दिखाया है, विजडम, बुद्धिमत्ता दिखाई है, जर्नलिस्टी दिखाई है, दैट दे आर लाइक मे नेवर नोन अगेन, कि ऐसी अद्भुत साहस और बुद्धि, उदारता उन्होंने दिखाई है कि शायद ही कभी कोई दिखा पाए, ऐसी कोई शायद ही दे पाए। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच अ डिपैथ ऑपरेशन टू क्रिएट सच अ हाइएस्ट ऑफ करेक्टर, ठीक है ना, जो कि ऐसे हाइट ऑफ करेक्टर, यानी ऐसे उच्च चरित्र को प्राप्त करने के लिए इतने गहरे दमन की आवश्यकता होती है, शायद Perhaps लिखा ना शायद। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड गम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोयल,
कि हमारी जो सोयल है, ज़मीन है, उसके नीचे क्या है, खनिज है, ठीक है ना, ज़मीन के नीचे खनिज है और मतलब हीरे जवाहरात है काफ़ी. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन मैं जो जानता हूँ कि सबसे बड़ा धन तो इसके लोग हैं, इस कंट्री के पीपल हैं. फाइनर एंड प्योर देन द प्योरेस्ट डायमंड, कि जो शुद्ध प्योर, प्योर होता है शुद्ध, और प्योरेस्ट मतलब सबसे शुद्ध डायमंड से भी अधिक बढ़िया और सच्चे हमारे पीपल है, यानी इसके लोग हैं. ठीक है ना, लोग अच्छे होंगे तो हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं है उनके आगे. ठीक है, इट वॉज फ्रॉम दिस कॉम्रेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द कोरेज, कि जो स्ट्रगल था, जो संघर्ष के दौरान जो कॉम्रेड्स थे यानी जो साथी थे, मैंने उनको मीनिंग बताया, मैंने सीखा. क्या सीखा? साहस का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोरेज, कोरेज मतलब साहस, साहस का अर्थ मैंने सीखा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, कि जो अनेक लोग थे, स्त्रियां थी, उनको जोखिम उठाते हुए देखा मैंने, और आइडिया यानी एक आदर्श के लिए. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग एंड शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. ठीक है, कि ऐसा साहस दिखाया, ऐसी उन्होंने उत्साह दिखाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. ठीक है ना, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. आई लर्न दैट कोरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि जो साहस उन्होंने दिखाया उसमें फियर की एब्सेंस थी. एब्सेंस मतलब अभाव था, अनुपस्थिति थी. ठीक है, बट द ट्रिम्फ, लेकिन जो विजय हुई, ट्रिम्फ मतलब विक्ट्री हुई, जो ओवर इट, लेकिन भय पर विजय प्राप्त होता है. ठीक है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर, लेकिन बहादुर व्यक्ति वह होता है जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है. ठीक है ना, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो नहीं डरता, बहादुर व्यक्ति कौन सा होता है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो बहादुर व्यक्ति होता है. नो वन, किसके अनुसार, नेल्सन मंडेला के अनुसार, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. ठीक है ना, कि कोई भी व्यक्ति चमड़ी के रंग के आधार पर या उसकी बैकग्राउंड के आधार पर, बैकग्राउंड यानी जो पीछे की भूमि है, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, ठीक है ना, और किसी के धर्म के आधार पर, या हम किसी से हेट नहीं कर सकते. ठीक है ना, किसी से हम क्या नहीं कर सकते, हेट नहीं कर सकते, घृणा नहीं कर सकते, घृणा का भाव पैदा नहीं होता. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टोट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट. अब ये कह रहा है कि लोगों को घृणा सीखना होता है, मतलब हेट करना सीखना होता है, यदि वो हेट करना सीख जाते तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. क्योंकि क्यों सिखाया जा कैसे सिखाया जाता है, क्योंकि प्यार करना सिखाया जाना जो हेट है उससे अधिक स्वाभाविक है, नेचुरल है, मोर नेचुरल है. कैसे, ह्यूमन हार्ट में. इवन द इन द ग्रीमियस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कमांडेड्स होते फ्रेंड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, कि उस गार्ड के अंदर मैंने ह्यूमैनिटी देखी परहैप्स शायद कुछ सेकंड के लिए, बट इट वाज इनफ, लेकिन काफ़ी थी टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. ठीक है, क्या मतलब हुआ,
कि जहाँ जब तक हम जेल में रहते थे, कौन रहते थे, मैं और मेरे साथी कॉमरेड होते हैं, दोस्त, फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जो उदासी भरे अवसर थे मेरे और मेरे दोस्तों को, हमें उन्होंने सहन शक्ति की तरफ धकेल दिया, पोस्ट कर दिया, किसकी तरफ, हमारी लिमिट्स को, ठीक है ना, सहन शक्ति की तरफ हमें धकेल दिया। और मुझे जो गार्ड्स थे, जो पहरेदार थे वहाँ पर, उनकी मानवता की, उनमें भी एक मानवता की जो ह्यूमैनिटी की झलक दिखाई दी, प्रैप्स यानी शायद कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन यह मुझे तसल्ली देने के लिए कि चलाए रखने के लिए काफ़ी था, यानी जो वो उन्होंने दिखाई। मैंस गुडनेस इज फेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिग्निश्ड, कि मानव में जो अच्छाई होती है वो एक ऐसी हिडन, छुपी हुई एक फ्लेम है, एक फ्लेम, फ्लेम बोलते सकते हैं, एक ज्वाला है एक तरह से, जिसको हिडन नहीं किया जा सकता, जिसको छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको वो कभी बुझ नहीं सकती। नेवर डिस्टिग्निश्ड होता है बुझ जाना, लेकिन वो बुझ नहीं सकती कभी, ठीक है ना, समझ में आया। कि मानव की जो अच्छाई है एक ऐसी ज्वाला है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन उसको कभी वो बुझ नहीं सकती, ठीक है। छोटा था नहीं, हाँ गिरा। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड हैज़ टू ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। क्या मतलब है, जीवन में जो हर एक व्यक्ति है उसके दो दायित्व होते हैं, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, अपने परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चे, ठीक है, उनके प्रति दायित्व होता है, और दूसरा किसके प्रति होता है, लोगों के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, जो समुदाय है उनके प्रति, जो कंट्री है, देश के प्रति उत्तरदायित्व होता है। दो उत्तरदायित्व होते हैं, तो अपनी फैमिली के प्रति, पेरेंट्स, माता पिता, वाइफ, चिल्ड्रन के प्रति, और दूसरा क्या आता है, अपने देश के प्रति, ठीक है ना, उत्तरदायित्व होता है। इन अ सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, कि जो हमारे एक सभ्य समाज है और मानवीय समाज है, उसमें क्या होना चाहिए, फुलफिल ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, कि अपनी एबिलिटीज के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, और अपनी, अपने जो इंक्लिनेशंस होते हैं, जो अपने झुकाव के अनुसार ही अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो उत्तरदायित्व है, उनको पूरा किया जा सकता है, ठीक है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस, लेकिन जो साउथ अफ्रीका जैसा देश है उसमें जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए ये दोनों जो उत्तरदायित्व है, ऑब्लिगेशंस है, उनको पूरा करना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, थोड़ा इम्पॉसिबल मतलब असंभव है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड मतलब अकेलापन। जो अफ्रीका की जो धरती है, यहाँ पर जो कलर चमड़ी वाले हैं, जो रंगीन चमड़ी वाले हैं, वो क्या है, रंगीन चमड़ी वाले आदमी एक, मतलब एक इंसान की तरह जीने का प्रयास करता है, जिसको क्या कही जाती है, पनिश किया जाता है, जिसको सजा दी जाती है, और आइसोलेटेड मतलब अकेला कर दिया जाता है, उसको पनिश करके यानी जेल में डाल दिया जाता है, उसको अकेला किया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है एक तरह से। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitable मतलब unavoidable, arrived for his family and his home was forced to live a life apart, a twin light existence of secrecy and rebellion। क्या मतलब हुआ कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, लोगों के प्रति मतलब अपने कर्तव्य को पूर्ण करना चाहता है अगर कोई व्यक्ति, तो यकीनी रूप से उसके परिवार और घर से उसको जुदा कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, और उसे मजबूर कर दिया जाता है एक तरह से, कि
फोर्स कर दिया जाता है। फोर्स कैसे कर दिया जाता है, फोर्स कर दिया जाता है कि एक ऐसी लाइफ जिए वो सबसे अलग, ठीक है ना, यानी अलग रहने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू द प्लेस ऑफ माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि एक जो विद्रोह का जो धुंधला सा ट्विंकलिंग होता है, धुंधला सा जो अस्तित्व था, एक तरह से जीवन धुंधला सा और विरोध पूरा जीवन था, तो प्रारंभिक में यानी बिगनिंग में, शुरुआत में तो क्या किया कि शुरुआत में तो मैंने भी लोगों को अपने परिवार से अधिक महत्व दिया, फैमिली से ज़्यादा अबव रखा लोगों को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन लोगों की सेवा के प्रयास में मैंने क्या पाया, आई फाउंड आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिल माई ओब्लीगेशंस एज ए सन। लेकिन वो जो ओब्लीगेशंस थे मेरे, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स थे एज ए सन, ब्रदर, फादर और हस्बैंड, ठीक है ना, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, जो मेरे उत्तरदायित्व थे, उनमें मैं बाधा महसूस कर रहा था कि लोगों का उत्तरदायित्व निभाते मैं उनमें क्या कर रहा था, एक तरह से बाधा महसूस कर रहा था। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर ऑफ टू बी फ्री, ठीक है, कि मैं एक तरह से फ्री रहने की भूख में पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। क्या मतलब हुआ कि मैं फ्री तो पैदा हुआ था, लेकिन सभी प्रकार से फ्री और जितने ढंग से मैं जानता था, क्या जानता था, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम एंड दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलियन मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड ब्लैक द सो स्लो मूविंग बुल्स। यानी अपनी जो माँ की हट यानी झोपड़ी थी, मैं अपनी माँ की झोपड़ी के साथ जो फील्ड थे, खेत थे, वहाँ पे दौड़ लगाने के लिए, वहाँ पे फील्ड में दौड़ लगाने के लिए, रन के लिए फ्री था, ठीक है, दौड़ लगाने के लिए फ्री था। अपने गांव के बीच में जो नदी थी, जो स्ट्रीम थी, क्लियर स्ट्रीम थी, जो साफ नदी थी, उसमें स्विमिंग करने के लिए फ्री था। जो स्टार्स थे, स्टार्स उनके सितारों की छाया में जो मक्के के दाने भूनने के लिए स्वतंत्र था, ठीक है, माइल्स यानी मक्के के दाने को रोस्ट यानी पकाना, उनको पकाने के लिए फ्री था। और क्या राइड करने के लिए फ्री था कि जो बुल होते हैं ना, जो बैल होते हैं, बुल जो बैल की पीठ पर एक तरह से सवारी करने के लिए, ठीक है, बुल के ऊपर बैठ के बच्चे सवारी करते हैं ना, उनकी बैक पे बैठ के मैं राइड करने के लिए फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर अबाइड माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल बाई लॉज ऑफ मैन और गॉड। कि जब भी मैंने अपने पिता की ओबे की, आज्ञा का पालन किया, तो ट्राइब होता है कबीला, तो कबीले की परंपराओं का निर्वह किया, तो मुझे क्या लगा कि नॉट ट्रबल्ड, कि मुझे जो मानवीय और भगवान के जो किसी कानून हैं उसमें समस्या पैदा नहीं हुई, ट्रबल नॉट ट्रबल्ड, ठीक है, उसमें कोई समस्या पैदा नहीं हुई, ठीक है, जो आज्ञा का पालन किया मैंने अपने पिता का और जो कबीले की परंपराओं का निर्वहन किया एक तरह से, तो मुझे मानवीय जो हुमन है, जो मानव के ला है और जो भगवान के किसी भी कानून में कोई समस्या पैदा नहीं हुई। आई वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वेन आई डिस्कवर एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी एंड आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। अब क्या कहना चाहता है कि इट वॉज ओनली वेन, मुझे केवल तब पता चला जब मैंने पढ़ना सीखा,
तो मेरे बचपन की जो फ्रीडम थी, जो बॉयहुड की फ्रीडम थी, वाज इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम, वो एक भ्रम था, इल्यूजन था। और जब मैं बड़ा हुआ, तो मैंने क्या पाया कि स्वतंत्रता मुझसे छीन गई है, ठीक है, छीन गई है। और मैं इसके लिए भूख का एहसास करा, यानी जो फ्रीडम है, फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, एक तरह से मैं हंगर था, भूखा था स्वतंत्रता का, ऐसा मैं अनुभव कर रहा था, फील कर रहा था। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मुझे फ्रीडम चाहिए थी अपने आप के लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। क्या स्वतंत्रता चाहिए थी? कि रात को बाहर ठहरने की स्वतंत्रता, ठीक है, और कौन सी स्वतंत्रता, जो अपने लिए वो चाहता था कि अपनी मर्जी से पढ़ सके वो, ठीक है ना, रीड कर सके, और कौन सी स्वतंत्रता, कि अपनी पसंद से आने जाने की स्वतंत्रता, लेटर, लेटर मतलब बाद में, एक एल ई डबल टी ई आर लेटर होता है, लेटर होता है पत्थर, लेकिन ये एल ए टी ई आर लेटर मतलब बाद में। एज अ यंग मैन जोहानबर्ग, आई यर्न फॉर बेसिक एंड होनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैव अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। उन्होंने क्या कहा कि बाद में जब मैं जोहान्सबर्ग में एक यंग पर्सन बन गया, यंग रूप में बन गया, तो मुझे मौलिक और जो सम्मानदायक जो आज़ादियाँ हैं उसकी इच्छा होने लगी, जैसे कि अपनी एबिलिटी को पहचानना, पोटेंशियल होती है क्षमता, ठीक है, अपनी अपनी क्षमताओं को तक पहुंचने की स्वतंत्रता चाहिए थी, ठीक है, अर्न मनी, अर्निंग के लिए, ठीक है, अर्निंग यानी धन कमाना, धन कमाने की स्वतंत्रता चाहिए थी, मैरिंग शादी करने की, हैविंग फैमिली परिवार बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और कौन सी स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता कानून के अनुसार व्यक्ति जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन में बाधा न डाले, ऐसी मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी। बट लेकिन आई स्लोली सा, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, बट द ब्रदर्स सिस्टर्स वर नॉट फ्री। कि बाद में मैंने धीरे धीरे क्या महसूस किया कि केवल मैं ही फ्रीडम से मतलब मुझे ही फ्रीडम नहीं है, वंचित नहीं हूँ मैं स्वतंत्रता से, बल्कि मैं और कौन है, मेरे भाई बहन, ठीक है, वो भी स्वतंत्रता नहीं है, वो भी फ्री नहीं है। और आई सा, मैंने देखा, इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, ठीक है। उसने क्या देखा कि मेरे जैसे जो दिखते हैं, मेरे जैसे दिखने वाले हर एक व्यक्ति के पास के अधिकार को सीमित कर दिया गया है एक तरह से, ठीक है ना। कि उसने क्या देखा कि मेरी स्वतंत्रता ही सीमित नहीं हुई है, ठीक है, सभी की स्वतंत्रता ऐसे ही सीमित है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और यही तब क्या हुआ, उसने जब ये महसूस किया कि कोई भी फ्री नहीं है, तब मैंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल को ज्वाइन कर लिया। दैट इज़ व्हेन हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर हंगर ऑफ फॉर फ्रीडम। और जो कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो मेरी आज़ादी की भूख थी, जो फ्री की भूख थी, वो क्या होने लगी, और भी आज़ादी के लिए और भी बढ़ गई, ठीक है। अब देखे, ओ माई पीपल, लोगों के लिए भी फ्रीडम की मेरी इच्छा बढ़ गई। आई वाज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड आ
frightened young man into a bold one that drove a law-abiding attorney to become a criminal that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk. मोंक पता है क्या होता है? भिक्षुक, ठीक है ना. अब जब उसने लोगों की, इसने कहा कि मैं मेरे लोगों की, माय पीपल, मेरे लोगों के लिए मैं जो इच्छा कर रहा था फ्रीडम की, जो स्वतंत्रता की इच्छा कर रहा था, डिग्निटी से दिए, ताकि वो गरिमा से अपने शान से जिए और सेल्फ रिस्पेक्ट से जिए, आत्मसम्मान से के साथ जिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा था, काफ़ी प्रयास कर रहा था. और जो एक तरह से फ्राइटन्ड यंग मैन ट्रांसफॉर्म्ड मतलब बदल गया मैं किस में, कि एक फ्राइटन्ड होता है भयभीत, डरा हुआ नवयुवक में को एक बहादुर आदमी बना दिया, कि उस प्रबल भावना ने मुझे क्या बना दिया, एक ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड मैन इंटू अ बोल्ड वन, ठीक है ना, एक डरे हुए आदमी से मुझे बोल्ड बना दिया, बहादुर बना दिया. दैट ड्रोव ला अबाइडिंग, जो कानून का पालन करने के लिए एक अटोर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, ठीक है, वकील से मैं क्रिमिनल बन गया, मुजरिम बन गया. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और फैमिली लविंग हस्बैंड का मतलब है कि परिवार से जो प्यार करने वाले पति से बेघर हो गया, ठीक है ना, विदाउट होम हो गया. दैट फोर्स अ लाइफ ऑफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, और एक जिंदगी को ऐसे जीने लगा जैसे मोंक जीते हैं, भिक्षुक जीते हैं, भीख मांगते हैं ना मोंक, ठीक है, ऐसे भिक्षुक की तरह में हो गया. आई एम नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइंस दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट ever enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. अब ये क्या कह रहा है कि मेरे साथ जो किसी भी आदमी, ठीक है, किसी भी आदमी से ज़्यादा भला और ज़्यादा आत्म त्यागी, सेल्फ मतलब आत्म और सैक्रिफाइसिंग मतलब त्याग करना, आत्म बलिदान, त्यागी, ठीक है ना, ऐसा नहीं देखा मैंने, ठीक है, मेरे साथ वाले किसी भी व्यक्ति, किसी भी आदमी को मैंने ज़्यादा वर्चुअस और ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं देखा. बट लेकिन क्या देखा, आई फाउंड, लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी सी जो और जो लिमिटेड सी फ्रीडम है उसको भी आनंद नहीं ले सकता था ये जिनकी मुझे इजाज़त दी गई थी. ऐसे तो मैं जो थोड़ी थोड़ी जो फ्रीडम थी उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था. फ्रीडम इज इंडिविजिबल, डिविजिबल जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है ना, इंडिविजिबल जिसको टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है ना. द चेन ऑन एनी वन ऑफ माय पीपल वर द चेन ऑन ऑफ ऑल देम, द चेन ऑफ ऑल द पीपल वर द चेन ऑन मी. क्या समझ में आया, कि मुझे क्या पता चला कि स्वतंत्रता के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है ना, फ्रीडम इज इंडिविजिबल होता है जिसको टुकड़ों में बांटा जाए, इंडिविजिबल मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, यानी स्वतंत्रता के जो फ्रीडम है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. मेरे किसी एक आदमी पर पड़ी जो बेड़ियाँ थी, जो चेन थी, सभी लोगों पर पड़ी बेड़ियों के समान थी. आई न्यू द ओप्रेसर मस्ट लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, कि मैं जानता था कि जो ओप्रेस्ड है, जो दमन करने वालों को मुक्त करने के लिए उतनी ही ज़रूरत होगी जितना दमन सहने वालों की होती है, ठीक है, क्या समझ में, क्या जानता था मैं,
मैं जानता था कि दमन करने वालों को मुक्त करने के लिए जितनी ज़रूरत होती है कितनी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि दमन सहने वालों की, दमन करने वालों को मुक्त करने की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी दमन सहने वालों की होती है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hate. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. कि जो एक तरह से prejudice होते हैं पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब है कि जो हमारे मन में पहले से ही बैठ जाती है ना, जो हमारी सिकुड़न सोच होती है, narrow-minded यानी जो एक मतलब फ्रीडम के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं पाए, ये कहते हैं ना इसकी तो नैरो माइंडेड है ये, मतलब इससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं सकता। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस फ्रीडम समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर्स अलाइक आर रोब्ड देयर ह्यूमैनिटी। कि एक तरह से सही अर्थों में अगर देखा जाए, ट्रूली फ्री की सही अर्थों में अगर देखा जाए, तो यदि दूसरे आदमी की स्वतंत्रता का मैं हनन करता हूँ तो बिल्कुल उसी प्रकार हूँ जैसे कि एज लाइक जैसे कि मेरी स्वतंत्रता का हनन कर लेता हूँ जो शोषित है, जो ओप्रेस्ड है, और जो ओप्रेसर है, शोषण करने वाला शोषक, शोषित और शोषक दोनों एक समान रूप से अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं, ठीक है ना, रोब देयर ह्यूमैनिटी। क्लियर? तो ये आपका लेसन था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और वीडियो को दोबारा देख सकते हो। थैंक यू।